एडवेंचर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान अपनी अपकमिंग मूवी पठान के लिए सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में ताज़ा जानकारियों से यह पता चला है कि शाहरुख खान इसी हफ्ते स्पेन के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर वो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ में इस मूवी के कुछ एक्शन सीन शूट करने वाले हैं। और सोशल मीडिया से ये भी खबर लगी कि स्पेन में एक बहुत ही लेविश गाना शूट होने वाला है, जिसमें दीपिका पादुकोण दिखाई देने वाली हैं। साथ में जॉन इब्राहिम भी स्पेन के शेड्यूल में शाहरुख खान के साथ होंगे, जो कि वहाँ पर एक एक्शन सिक्वेंस शूट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारे पास ये खबर आई है कि शाहरुख खान साउथ के मूवी डायरेक्टर एटली कुमार के साथ एक मूवी शूट कर रहे थे, जिसका नाम जवान बताया जा रहा था, लेकिन हालांकि जानकारी में ये पता चला है कि इस मूवी का नाम लॉयन रखा गया है। अब देखना यह है कि शाहरुख खान की इस मूवी का नाम लॉयन क्यों रखा गया है, क्योंकि आपको बता दें कि इस मूवी में शाहरुख खान डबल रोल करने वाले हैं। इसमें शाहरुख खान बेटे और बाप दो किरदार निभाने वाले हैं, जो फिल्म में एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि इसके पहले एटली कुमार के सुपरस्टार विजय के साथ में कई सुपरहिट मूवीज दे चुके हैं, जिसमें बिगली जैसी सुपरहिट मूवी शामिल है। शाहरुख खान ने हाल ही के एक इंटरव्यू में बताया था कि साउथ मूवी के किसी डायरेक्टर के साथ में उनका यह पहला एक्सपीरियंस है, और उन्होंने ये भी बताया कि एटली कुमार के साथ शूट करके उन्हें काफी कुछ सीखने को भी मिला है, क्योंकि साउथ के डायरेक्टर्स की थॉट और उनके थीम और स्क्रिप्ट बहुत ही अलग होती है। अब देखना यह है कि शाहरुख खान की पठान और लॉयन मूवी बॉलीवुड में 2022 में किस तरीके का धमाका मचाती है। क्या शाहरुख खान एक बार फिर से बाउंस बैक करके अपनी किंग की इमेज बॉलीवुड में बनाकर रखेंगे या नहीं, ये तो पता चलेगा फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च हो जाने के बाद में ही। तब तक आप हमारे चैनल फिल्मी फाट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बॉलीवुड की अपकमिंग मूवीज की अपडेट्स आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।